हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजेंद्र कुमार ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरसीसी ड्राइंग पार्ट 6। दोस्तों, इसके पहले आपको आरसीसी ड्राइंग के 5 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेप्टिक टैंक के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड टैंक या फिर वाटर टैंक के बारे में। दोस्तों, ओवरहेड टैंक का क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसमें गिवन डाटा है डायमीटर ऑफ टैंक इज इक्वल टू 12 मीटर, डायमीटर ऑफ सर्कुलर कॉलम इज इक्वल टू 700 mm, डायमीटर ऑफ मेन हॉल इज इक्वल टू 600 mm, और लास्ट में है विड्थ ऑफ रिंग बीम इज इक्वल टू 600 mm। दोस्तों, अगर जो भी डाटा आपको गिवन नहीं है वो आप खुद से मान लेंगे, ठीक है। जो डिज़ाइन करते हैं उसमें हमें क्या है, गिवन डाटा दिया रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए बात करते हैं वाटर टैंक के बारे में। तो वाटर टैंक का हम स्केल ले लेते हैं, स्केल स्टैंडर्ड स्केल लेते हैं हम 100 का। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो टैंक होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से क्या करते हैं हम स्केल जो है बड़ी लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन खींच लेते हैं जो कि 11 मीटर लंबी होती है। 11 मीटर दोस्तों स्केल पे चेंज करेंगे तो 11 सेंटीमीटर आ जाएगा स्केल पे। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा मीटर में होता है और जब हम 100 का स्केल लेते हैं तो डायरेक्ट वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। तो 11 मीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो ये 11 सेंटीमीटर स्केल पे आ जाएगा। यहाँ से हम इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने हम फाउंडेशन की जो फुटिंग होती है उसकी हम विड्थ ले लेते हैं। विड्थ कितनी होती है, 3 मीटर, 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर लेते हैं। तो 3 मीटर स्केल पे चेंज करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से भी और ठीक यहाँ से भी हम खींच लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी हम फाउंडेशन की ऊंचाई लेते हैं, यानी नींव की ऊंचाई लेते हैं। तो नींव की ऊंचाई जो हो जाएगी, यानी कि यहाँ से फुटिंग की ऊंचाई जो होगी वो 380 mm लेते हैं। स्केल पे बात करें तो 4 mm, तो यहाँ से भी 4 mm और यहाँ से भी 4 mm, ठीक। यहाँ से भी वही काम करेंगे, 4 mm और 4 mm, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। इन दोनों का यहाँ से हम मिड पॉइंट ले लिए और यहाँ से भी इसका मिड पॉइंट ले लिए। मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं, 1 मीटर की हाइट पे अपना एक पॉइंट लगा लेते हैं। 1 मीटर स्केल पे बात करें तो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया और यहाँ से अपने हमारा जो सर्कुलर कॉलम का डाया दिया गया है वो 700 mm दिया गया है। तो 700 mm को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 0.7 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से भी यहाँ पे करेंगे और यहाँ से 1 मीटर की ऊँचाई पर पॉइंट लगाने के बाद हम ये हमारा जो है 700 mm का हमारा जो कॉलम बन चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम फ्री हैंड स्केल से इसको हम तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से इस प्रकार से इसको मिला लिए और इस प्रकार से इसको मिला लेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही ये भी काम करेंगे वैसा ही। दोस्तों, आपने ये स्क्वायर कॉलम फुटिंग में पढ़ रखा है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम 1 मीटर ऊंचाई पर अपना जीएल बनाते हैं। 1 मीटर ऊंचाई पे, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्केल पे, ये हो गया हमारा और ये हो गया। दोस्तों, टंकी में क्या करते हैं कि जो हमारा हमारी जो फाउंडेशन की गहराई होती है वो 2 मीटर से कम नहीं लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम अपना जीएल लेवल खींच लेते हैं। ये हमारा जीएल है, इसका हम हैचिंग कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा जीएल हो गया, ठीक है, ग्राउंड लेवल। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, चूँकि हमारा जो टैंक होता है इसकी हाइट जो होती है 16 मीटर होती है, 16 मीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। 16 सेंटीमीटर हम खींचेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमारी जो टैंक है वो बन नहीं पाएगी। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूस कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम कंटिन्यूस कर देते हैं। तो एक प्रेशर लाइन हम खींच लेते हैं यहाँ से इस प्रकार से,
और यहाँ से भी खींच लेते हैं प्रोजेक्शन लाइन। यहाँ से हमने खींच लिया, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम इसको बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बना लिया। यहाँ पे हमने क्या किया कि 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर, यानी कि 4 चौका 16 मीटर, और स्केल पे बात करें तो 16 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, ये हमने हाइट खींच लिया किसका, ओवरहेड टैंक का, ठीक है। और इन दो ब्लॉक में हमने क्या किया, इस हाइट को कंटिन्यूस कर दिया जिससे हमारी हाइट जो है कम हो जाए, ठीक है। और इसमें हमारा जो बीच में हमारा ये एक और क्या है, कॉलम रहेगा, क्योंकि ये कई कॉलम होते हैं, जब हम सामने से देखते हैं तो कॉलम जो पीछे वाले होते हैं वो छुप जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारा कंक्रीट होता है वो 25 ग्रेड से कम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना बॉटम डोम बनाते हैं, ठीक है। जो हमारा निचले सिरे में डोम होता है उसको हम बनाते हैं, और उसकी जो हाइट होती है 1/8 D लेते हैं, यानी कि हमारा जो डी है डायमीटर है कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। 12 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर आ रहा है, तो स्केल पे चेंज करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम मिड पॉइंट लेते हैं, इसका हमने मिड पॉइंट लिया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ से हमने क्या किया, 1 पॉइंट दूरी चल लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लेते हैं कितना है, 3.7 है, और यहाँ से हम 3.7 पे हम एक क्या करेंगे, रेडियस अपना खींच लेंगे, और रेडियस खींचने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने गोला प्रकार की सहायता से, अपने गोला प्रकार की सहायता से एक सर्कल खींच लेंगे यहाँ से, हमने यहाँ से और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, आप अपने सर्कल से यहाँ से खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से ऐसे खींच लेंगे और यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, और इस बॉटम डोम की जो मोटाई होती है वो होती है 300 mm, दिया नहीं है लेकिन होता है 300 mm, तो 300 mm को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 3 mm आ जाएगा, 3 mm हमारा लगभग ये बढ़ गया है, तो 3 mm को हम स्केल पे खींच लेंगे तो यहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या करेंगे, अपने गोला प्रकार को अच्छी तरीके से के कस देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बना लिया, और इस गोले की सहायता से हम इसको खींच लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से ऐसे खींच लेंगे और यहाँ से इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके खींच लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा।
ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से खींच लेते हैं, यहाँ से इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको इस प्रकार से खींच लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से लगभग यहाँ से यहाँ तक की दुगनी दूरी, यानी कि 1.5, फिर ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाके हमारा जो डायमीटर कितना है, डायमीटर हमें दिया गया है कितना है 12, तो 6 लेफ्ट और राइट में हम यहाँ पे अपना पॉइंट लगा लेंगे, कितने का 12 का। और फ्री हैंड स्केल से इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से इस पे मिला लेंगे, और यहाँ से इसको मिला लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा जो हो गया, ये रिंग टाइप बनता है, शंकुआकार, इसको हम, ये जो होता है शंकुआकार कोनल की टाइप होता है, तो इसकी जो मोटाई होती है वो 600 mm होती है। 600 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 6 mm आ जाएगा, ठीक है, 600 mm को। तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं 6 mm, इसी के पैरेलल रख के खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इसको खींच लेते हैं, और यहाँ से भी इसको भी पॉइंट करके खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो इसको इस प्रकार से हम खींच लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, फिर से अपने पैरेलल लाइन पे लेके आके इसको हम बराबर कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ला देते हैं, और ये बराबर तो हो ही गया। अब इसको क्या करते हैं, हम फ्री हैंड स्केल से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद ये जो हमारी बॉटम जो होती है, जिसको कहते हैं बॉटम रिंग वॉल, ये 200 mm बाहर निकली होती है। 200 mm को चेंज करेंगे स्केल पे तो 2 mm आ जाएगा, 200 mm बाहर निकली होती है, और ये जो होती है ऊपर वर्टिकल 400 mm होती है, तो हम 4 mm खींच लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे फिर 200 mm, इसके बाद ये हमारी हाइट चली जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमारी जो सिलेंड्रिकल वॉल दी गई है वो है 400 mm, ठीक है, डिज़ाइन से निकाली जाती है 400 mm, तो 400 mm को हम स्केल पे खींच लेंगे यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। अब ठीक यही काम इधर भी करेंगे, इस साइड भी करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो 200 mm निकला होता है, ठीक है, और ये 4, यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले सकते हैं यहाँ से इसका खींचने के बाद, और इसको हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे, और यहाँ से हमारी जो मोटाई होती है वो 400 mm होती है सिलेंड्रिकल वॉल की, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम फ्री हैंड स्केल से इसको मिला लेंगे लगभग, ठीक है, ऐसे करके हम इसको मिला लेंगे, और ठीक इसको भी इसी प्रकार से मिला लेंगे, यहाँ पे देखने पे हमारा जो आ रहा है बिल्कुल एकदम सीध में आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हमारी जो हाइट होती है, इस यहाँ से ऊपर तक की हाइट जो होती है हमारी होती है 2/3 इंटू डी, तो 2/3 2 × 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 8 मीटर, तो 8 मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो 8 cm आ जाएगा, तो 8 cm हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हम खींच लेंगे यहाँ से, और ठीक यहाँ से भी इसको खींच लेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी यही काम करेंगे, इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया, इसको हम
क्या करते हैं, खींच लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार से इसको भी खींच लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 8 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से 200 mm चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारी जो होती है ये 300 mm होती है, 300 mm यानी कि 3 mm। इसको हम इस प्रकार से मिला लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से छोड़ देते हैं यहाँ पे। और ठीक, यहाँ से भी वही काम करते हैं। ये जो होती है हमारी 300 mm निकली होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रोजेक्शन देखेंगे तो बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम थोड़ा से आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिस जैसा कि इसको हम बढ़ाए हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा जो बॉटम तो हमारा क्या था, ये था हमारा 1/8D था, और जो हमारा टॉप डोम रहेगा वो हमारा होता है 0.2D, यानी 0.2 × D हमारा कितना हो जाएगा, 12, तो 2.4 आ रहा है। तो 2.4 हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम देख लेंगे कितना है आ गया, ये 13 point, ये हमारा लगभग 13 आ गया। 13 का हम यहाँ से अंदर से करते हैं, 12.5 आ गया, 12.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा 6.25 आ गया लगभग 6.3 के। तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से हम कितनी हाइट जाएंगे, 2.4। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका रेडियस ले लेते हैं, कितना था हमारा 6.3 नीचे भी चले जाएंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। यहाँ से हमने रेडियस ले लिया एक। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक रेडियस खींच लेंगे यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने एक रेडियस खींच लिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, और ठीक यहाँ से भी ये हमारा जो है, और इसकी जो मोटाई होती है यानी कि टॉप डोम की जो मोटाई होती है वो 10 cm यानी कि 100 mm होता है। तो ये हमारा 1 mm आ जाएगा स्केल पे, तो 1 mm स्केल पे हम बढ़ा देंगे, ये लगभग हमारा 1 mm हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस हम डाया से क्या करते हैं, इसको हम मिला लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में करके आप मिलाएंगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, हम इसको फ्री हैंड मिला देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम अपने थोड़ा से फ्री हैंड बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप क्या करेंगे, अपने गोला प्रकार से जब बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा टॉप डोम बन के तैयार हो गया है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको आगे की तरफ मिला लेंगे और इसको भी हम यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये तो हमारा मिड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा लाइट कंडक्टर होता है इसको बना देते हैं हम। ये हमारा लाइट कंडक्टर होता है, जैसे बिजली हमारी जब कड़कती है तो ये हमारा इसको बचाता है, बिजली इस पे गिरे और गिरने के बाद वो सीधे ज़मीन में आ जाए, जिससे हमारा जो टैंक है वो बचा रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक जो यहाँ पे एक लोहा गाड़ देते हैं बीच में, जिससे हमारा जो टैंक है वो बचा रहता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन होल बनता है जिसका माप होता है 600 mm होता है। तो 600 mm को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो
0.6 यानी कि mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना मेन होल बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा मेन होल हो गया, इसको हम डार्क कर देते थोड़ा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा है इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारा पूरा रिंग टाइप होता है, तो इसको हम डॉटेड बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा गोलाई में होता है इस प्रकार से, तो आगे ये तो हमें साइड में दिखेगा लेकिन आगे और पीछे का हमें नहीं दिखाई देगा। तो आगे का हम डार्क कर दिए और पीछे का डॉटेड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से भी ठीक हो इसी प्रकार से करेंगे, इसको हम डार्क खींच लेंगे और ये जो हमारा होगा इसको हम डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा होता है ये हमारा ओवरहेड टैंक, ये हमारा बन जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे नामकरण कर दिया। अब चलिए दोस्तों समझते हैं सबसे टॉप से। ये हमारा लाइटिंग कंडक्टर होता है जो कि हमारे टैंक को आकाशीय बिजली से बचाता है, ठीक है। जब इस पर बिजली गिरती है तो यहाँ पे एक लोहे की रॉड लगी होती है जो सीधे ज़मीन से अटैच होती है। बिजली गिरती है और वो सीधे सीधे ज़मीन में चली जाती है, हमारे टैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मेन होल की, जो कि 600 mm डाया का होता है। यहाँ से हम प्रवेश करके अपनी टैंक की साफ़ सफाई करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा टॉप डोम, जो कि 100 mm थिक का होता है, यानी कि 100 mm मोटाई होती है इसकी, ठीक है। चूँकि इस पर कोई लोड नहीं आता इसलिए इसकी मोटाई कम रखी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो है टॉप रिंग वॉल। टॉप रिंग वॉल की मोटाई जो होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई होती है वो होती है 300 mm, ठीक है। और ये जो हमारी होती है चौड़ाई, ये होती है 200 mm, ठीक है। तो आप यहाँ समझ जाएंगे, ये हमारी मोटाई जो होती है 300 mm और चौड़ाई जो होती है 200 mm होती है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो होती है 0.2D होती है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ टैंक है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 2.4 meter आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं सिलेंड्रिकल वॉल की। ये हमारी सिलेंड्रिकल वॉल है, ठीक है, जो कि 400 mm मोटाई की है। सिलेंड्रिकल वॉल जो कि चारों तरफ इस प्रकार से घूमी रहती है, जो कि हमारे पानी को संभाले रहती है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ टैंक, जो कि कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 12 meter, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है 2.3D लेते हैं, और इसकी जो डी से हम गुणा करेंगे तो हमारा 8 meter आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बॉटम रिंग वॉल की। बॉटम रिंग वॉल की जो चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई जो होती है ये होती है, इसको मोटाई भी कह सकते हैं, 400 mm थिक की होती है बॉटम रिंग वॉल, और ये जो होती है हमारी 200 mm की होती है। चूँकि दोस्तों ये हमें आगे भी दिखाई देती है और पीछे भी रहती है, तो ये रिंग टाइप रहती है, तो इस प्रकार से हम डॉटेड कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके नीचे आता है हमारा कोनिकल वॉल होती है, एक कोनिकल वॉल होती है जो चारों तरफ होती है रिंग टाइप से इस प्रकार से। तो ये जो होती है हमारी 600 mm मोटाई की होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है बॉटम डोम। ये हमारा बॉटम डोम होता है जो कि 300 mm मोटाई का होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है इसकी 1/8D लेते हैं, और हम एक्चुअल स्केल पर चेंज करके बताएँ तो 1.5 meter होती है, ठीक है। इसको हम गुणा कर देंगे डी से तो 1.5 meter आ जाएगा, और स्केल पे भी कितना है 1.5 centimeter। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉलम्स की। जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनकी मोटाई जो होती है वो उनकी जो डायामीटर होता है 700 mm होता है, ठीक है।
600 से हम 700 mm इसके बीच में अप्रॉक्स टू ले लेते हैं, तो हम 700 mm ले लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिंग, जो हमारी रिंग बीम होती है, यानी कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं, जो सभी कॉलम्स होते हैं उनको बांधे रहती है, इस प्रकार से गोलाई में बांधे रहती है, और उसकी जो डिफरेंस होता है, यानी कि दो रिंग बीम के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 4-4 meters का होता है। तो मिला जुला के हमारी जो हाइट हो गई वो 16 meters की हो गई, किसकी, टैंक की, ठीक है। यहाँ तक तो हम क्लियर कर लिए, चूँकि ये हमारा जो हाइट है वो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस कर दिए, और ये जो हमारा 4-4 meters का है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है GL, ठीक है, ये हमारा GL है, और GL से हमारी फाउंडेशन की जो गहराई होती है वो कम से कम जो होती है 2 meters लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई कुछ फैक्ट हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो बेस ले लिए हैं, हमारा जो बेस है वो यहाँ से यहाँ तक का 11 meters है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो फुटिंग की चौड़ाई है वो 3 meters है, और यहाँ से यहाँ तक की 3 meters है। बीच वाले को हम कंटिन्यूस कर देंगे, ऐसे कई कॉलम रहेंगे जिसको हम इस प्रकार से कंटिन्यूस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 2 meters है, और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, आपने स्क्वायर कॉलम फुटिंग में पढ़ा होगा, ये हमारी जो कुल मिला के कितना होता है, 380 mm होता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो हम जान लेते हैं। इसकी जो गहराई है, न्यू की गहराई है वो 2 meters से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके जो कॉलम्स होते हैं, टंकी के जो कॉलम्स होते हैं वो हमेशा जो होते हैं सर्कुलर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो बार्स होती हैं, जो मेन बार्स होती हैं, उसको हम 16 mm डाया से कम नहीं लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं लेकिन कम नहीं लेते हैं। और इसकी जो रिंग बनाते हैं, जो कॉलम्स में रिंग्स बनाते हैं, उसकी जो डाया होती है वो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें जो कवर्स लेते हैं, यानी कि कॉलम्स में कवर लेंगे, वो 4 centimeters यानी कि 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। और फाइनली जो हमारा कंक्रीट होता है वो 25 ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा ओवरहेड टैंक, जो कि हमारा एलिवेशन है। दोस्तों अगर आपको इस ओवरहेड टैंक का रेनफोर्समेंट चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।